गुड मॉर्निंग। डेट 6 जुलाई है, क्लास 10th का हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका पार्ट 2 कल हमने गांधी जी का पढ़ना स्टार्ट किया था और मुझे लगता है लोग चंपारण सत्याग्रह तक चले थे। मैंने आपको बोला था चंपारण सत्याग्रह इंडिया का सबसे पहला क्या चीज था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मेरे से एक बार जनरल नॉलेज में कंपटीशन में पूछा और मैंने गलत किया। तो चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। इसके अलावा आपने देखा गांधी जी ने सत्याग्रह भारत में नहीं, सबसे पहली बार कहाँ स्टार्ट किया था, साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था 1906 में। सत्याग्रह ये मैंने आपको बताया था क्या है कि अगर आपका रीजन, आप किसी सच्चे रीजन के लिए कोई चीज डिमांड कर रहे हो, आपका रीजन सच्चा है और आपका कॉज सच्चा है, कारण क्यों आप उसको मांग रहे हो वो आपका डिमांड सच्चा है, उसका कारण सच्चा है, तो आपको किसी से बाहुबल की मतलब शरीर से ताकत लगाने की जरूरत या हिंसा करने की जरूरत नहीं है। आप उससे डिमांड कीजिए, जब उसका कॉन्साइंस काम करेगा वो आपको क्या करेगा, जो भी आपका हक है वो आपको दे देगा। ये किसका कह रहा था, महात्मा गांधी का, ठीक है। तो उसी पे हम लोग आगे चले इसमें, ठीक। अब महात्मा गांधी इस सोच पे चले, इंडिया में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो भारत का मतलब महात्मा गांधी का आंदोलन था वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण में भी आपको पता है कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में चंपारण पड़ता था, उस जगह पे नील की खेती करने वाले किसान थे। अब ये नील की खेती करने वाले किसान क्या थे, पैर पीछे रखो, नील की खेती करने वाले किसान क्या थे, तो जमीन सारा का सारा किनका था, जमींदारों का। जमींदार कहते थे आप मेरे जमीन पे पट्टा लेके रेंट पे खेती कर सकते हो, लेकिन हर एक बीघा में से 3 कट्ठा पे क्या लगाना पड़ेगा, नील लगाना पड़ेगा। और वो नील कैसा फसल था, बंजर बंजर होता था और उसका रेट भी अच्छा नहीं मिलता था, इससे वहां के किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी। तो कौन से आदमी गए थे गांधी जी से मिलने के लिए, राजकुमार शुक्ला, कहा कलकत्ता, कलकत्ता में उस समय गांधी जी आए हुए थे, उनसे मिलने गए। गांधी जी वहां से घर नहीं गए, आ गए यहाँ पे लड़ाई करने, मतलब इन लोगों के आंदोलन करने। गांधी जी लड़ाई घर करते नहीं थे। तो 1970 में जाके चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों का जो हक था वो मिल गया। सुनते जाओ बस। अभी सेकंड नंबर में आपको कॉपी चाहिए, अगर आपने कल कॉपी लिख रखा है कॉपी चाहिए, ठीक है, डेट अगर लिख रहा है। सेकंड नंबर में आपको ध्यान होगा कि उसके बाद अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स का हुआ। अब यहाँ क्या हुआ, ये पहला आंदोलन है जहाँ गांधी जी भूख हड़ताल किए थे। कौन सा आंदोलन, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉटन का रुई के कपड़े मतलब कपड़ा बनने का जो फैक्ट्री था, वर्ल्ड का नंबर वन उस जमाने में मैनचेस्टर था। और मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है इंग्लैंड में, यूके, मैनचेस्टर। चैप्टर नंबर जो आपका 5 है उसमें इसके बारे में पढ़ना, मैनचेस्टर के बारे में। आप खोलना नहीं है चैप्टर 5 अभी, मैनचेस्टर के बारे में। एकदम फेमस था मैनचेस्टर किस चीज के लिए, कॉटन के गुड्स के लिए, एकदम धारा प्रवाह उसका बहुत बेटर उसका चलता था मैनचेस्टर का। अब मैनचेस्टर का कपड़ा बड़ा फेमस था, ऐसे ही इंडियाज मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर जो शहर है ये दो ही चीज के लिए फेमस है, अब पहला तो कपड़े के लिए और दूसरा फुटबॉल क्लब। दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल क्लब में से 2 है, एक रियल मैड्रिड, स्पेन का राजधानी है मैड्रिड, वहां पे रियल मैड्रिड जहाँ का रोनाल्डो है, नाम सुने होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कभी कभी आ जाता होगा पेपर में, फेमस फुटबॉलर, वो खेलता है रियल मैड्रिड से, ठीक है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लैंड का सबसे बेस्ट फुटबॉल क्लब है, ठीक है, वायन रूनी इसका प्लेयर अच्छा। तो मैनचेस्टर मेन फेमस था किस चीज के लिए, सिर्फ कपड़े के, कैसा कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, सिल्क विल्क उसके यहाँ नहीं होता था, सिर्फ अभी लोग भारत वाले थे। और अपने यहाँ भी 4-3 एरिया मेनली सिल्क के लिए फेमस, 3 एरिया फेमस। सबसे नंबर 1 पे ढाका, ढाका पुराना नेम उसका सोनार गांव था, जो अभी बांग्लादेश का राजधानी है, पहले तो बांग्लादेश भी हमारा ही था ना, और हम लोग फादर हुए, पाकिस्तान हमारा बेटा हुआ, पाकिस्तान से भी टूट के बांग्लादेश अलग हुआ, तो वो उसका बेटा हुआ, फाइनली बांग्लादेश हमारे लिए पोता है।
नहीं हुआ, डायरेक्ट हमसे नहीं टूटा, वो पाकिस्तान से टूट के अलग हुआ। इसीलिए तो देखिए ध्यान से, अरे आज का नहीं, हम लोग बहुत पुराने हैं, हम लोग तो मतलब वंशज में भी सबसे ओल्ड है। हम लोग अफगानिस्तान भी हम लोग का एरिया था, आधा नेपाल का भी है, अखंड भारत का हिस्सा, जम्बू द्वीप जो जावा सुमात्रा श्रीलंका तुमको दिख रहा, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, यहाँ तक तो राजा राजा चोल का एरिया था। इसीलिए ना दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है वो भारत में ना होके कंबोडिया में है, अंगकोर वाट टेम्पल, तो वहाँ मंदिर बड़ा कौन दिया, भारतीय राजा सब था, इसलिए वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसलिए हरियाणा ने इन्हें किसी पाकिस्तानी अपना था ना, किसने वो बाहर तो बैठ के डिस्कशन करता तो कभी इस पर ही करो अखंड भारत का निर्माण। अब इन्हें कि लोगों को जबरदस्ती तुम जोड़ोगे हक के साथ, दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ बाबू, मैनचेस्टर, एकदम ब्रांड था, अगर किसी कपड़े पे लिखा रहे मेड इन मैनचेस्टर लोग उसको सबसे पहले खरीदते थे, ठीक है। अभी भी ली लिवाइस लिख के अगर जींस दे क्या करते हो, तुरंत लेने के लिए ट्राई करते हो, उस पर एडिडास रिबॉक लिख दे अगर जूते पे, चाहे वो रिबुक क्यों ना हो, डुप्लीकेट हो, एडिडास क्यों ना हो, एडिडास पे तो एडिडास लिख रहे थे, लेकिन बहुत सारा गांव का आदमी नहीं जानता वो भी उसको फिर पता ही उतरा के दे। चलिए तो इंडिया का मैनचेस्टर हम लोग बोलते हैं किसको, अहमदाबाद। जैसे मैनचेस्टर शहर सिर्फ कपड़े के लिए फेमस है, वैसे हम लोग का अहमदाबाद सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फेमस है, कपड़े के। पहले गुजरात का यही राजधानी था, कौन सा, अहमदाबाद। इंडिया का, देखो पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला प्लैंड सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट प्लैंड सिटी कौन था, पता है क्या? Yes, पहला प्लैंड सिटी दुनिया का था इस्लामाबाद पाकिस्तान का। अभी तो तुम टेंशन में आ जाओगे, सर इतना अंडर डेवलप्ड देश और प्लैंड सिटी बना रहा था, उसका राजधानी आजादी के बाद कराची था, हम लोग से जब टूट के अलग हटा तो उसका पहला राजधानी कराची था, बाद में उसका राजधानी कहाँ बन गया, इस्लामाबाद। प्लैंड सिटी समझते हो, चौड़ी सड़कें चौड़ी गलियां होंगी, पेड़ पौधे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लगा हुआ होगा, कहाँ हॉस्पिटल कहाँ क्या बनाना है सब कुछ वैसा बनाया होगा, प्लानिंग करके, इसीलिए उसको लोग क्या बोलते हैं, प्लैंड। तो वर्ल्ड का पहला प्लैंड सिटी कौन सा, इस्लामाबाद। और ऐसे ही अगर इंडिया पहला प्लैंड सिटी चले, इंडिया फर्स्ट प्लैंड सिटी, तो ये था हमारा चंडीगढ़, कौन सा, चंडीगढ़ जाके। और ये राजधानी है पंजाब का भी और हरियाणा का भी, जानते हो ना, और ये यूनियन टेरिटरी भी है। कभी चंडीगढ़ घूमोगे भविष्य में, देख रहे हो उसका भी प्लानिंग कितना बेहतर किया हुआ, हर नॉर्मल रोड, जैसे हम लोग ये रोड है ना सामने थाना चौक वाला भी रोड रहता, अंदर जो जाता है वो चितरंजन रोड, ब्लॉक वाला भी मेन रोड रहता है, ये सबका सब फोर लेन। और फोर लेन बनाने के बाद क्या किया, घर तुरंत नहीं बनाया, फोर लेन बनाने के बाद पहले पेड़ पौधा लगाया, उसके बाद घर। हम लोग का विद्यापीठ इसलिए तो इस चीज़ में फेमस है, पुराने जमाने में लोगों ने बड़ा अच्छा उसमें दिमाग लगा किया था, बिल्डिंग के बाद जगह छोड़ा है, उस जगह में पेड़ पौधा लगाया, साइड से रोड है, गाड़ी अगर जाएगी उसका आवाज होगा, कुछ आवाज को एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन सा चीज, पेड़ पौधा, और तब कुछ आवाज बच्चों तक जाएगा, उतना टेंशन बच्चों को नहीं होगा। अब आजकल क्या पता था उस जमाने के लोगों की, भोपू और माइक होगा और डीजे होगा, इतना भयंकर भयंकर लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, बड़ा और दो चार घंटा छोड़ के बना, है ना। तो इंडिया का पहला प्लैंड सिटी, और इंडिया का दूसरा प्लैंड सिटी जो था ये था गांधीनगर, जो आपका अभी गुजरात का कैपिटल है। बंटवारा जब गुजरात का और महाराष्ट्र का हुआ तो गुजरात का पहले राजधानी यही अहमदाबाद था, और अभी के टाइम राजधानी क्या है, क्योंकि वो कैसा टाउन है, प्लैंड टाउन है, प्लैंड सिटी है, अच्छे से उसको डेवलप किया गया। तो दिक्कत आपको, तो पूरे अगर आपसे पूछे कि इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा, क्या बोलोगे, अब देखो इंडिया में भी अलग अलग है, इंडिया में तुमसे पूछे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर, तो ये जगह है कानपुर, कौन सा जगह, नाम जानते हो क्या, यस सर, गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर, गंगा नदी के किनारे जो भी शहर बसा हुआ, ऊपर पहाड़ों से आओगे उत्तराखंड से, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, देन आगे बढ़ते आओ
मुरादाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, इलाहाबाद, बनारस, पटना, इधर से हम लोग निकले लखीसराय नहीं है गंगा किनारे, ठीक है, भागलपुर अच्छे में मुंगेर हो गया, देन आप बंगाल चले जाइए तो गंगा के किनारे ओरिजिनल गंगा के किनारे सबसे बड़ा जो बसा हुआ शहर है कौन सा है? इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ यूपी कहते हैं। पहले इसमें 170 से ज़्यादा चमड़ा का उद्योग था, 170 से ज़्यादा चमड़ा का मिल और ये सारी चीज़ें थी। गंगा बचाने के चक्कर में सबको बंद किया गया, सब कचरा सीधे गंगा में फेंकता था, इसलिए गंगा के पानी में भी पिल्लू होने लगा था। जबकि गंगा का पानी नॉर्मली ये माना जाता है कि आप 60 साल 50 साल की उम्र छोड़ दें, उसका पानी खराब होने वाला नहीं था, इसलिए जो लोग जब भी प्रसाद बनाता था उसमें कौन सा पानी डालता था? अतः है पहले के ज़माने में, दादा दादी वाले ज़माने में बोलोगे और गंगा के किनारे अगर तुम्हारा गाँव है तो लोग ये तुमको बोलेंगे कि उस ज़माने में अगर किसी को सरदर्द भी हुआ, बुखार भी हुआ, कुछ भी हुआ, बॉडी पेन ये सब, लोग बोलते थे जाके गंगा में नहा लो और एक लोटा गंगा का पानी पी लो। क्यों? जड़ी बूटी बह के आता था। उत्तराखंड में 405 किलोमीटर, ये उत्तराखंड में भी 250 किलोमीटर बहती है, पूरा का पूरा एरिया जड़ी बूटी का ही है। हनुमान जी वहीं से तो लेके गए थे, वो पर्वत उठा के, बूटी कहाँ ले गए, पर्वत ही उठा के चले गए, वो जो लेके गए तो देखा किसने, हमको लगा उसी जमाने में तुम। तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा? ऐसे ही साउथ इंडिया का मैनचेस्टर ये भी बताए थे। क्या बात है, तो काम कर गया सर। ये कौन सा था? कोयम्बटूर, ये पड़ता है तमिलनाडु में, एकदम पहाड़ी एरिया है यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु में यहाँ कोयम्बटूर। अब देखिए ये तो आपने कपड़े का देखा, अगर हम लोग आयरन एंड स्टील की बात करें, आयरन एंड स्टील की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस एरिया जहाँ आयरन एंड स्टील बहुत होता है वो रसा में, यहाँ एक माउंटेन है, नाम है उराल माउंटेन, यू आर ए एल माउंटेन, यही वो माउंटेन है। रूस इतना बड़ा देश है कि आधा एशिया में है मैक्सिमम पार्ट और थोड़ा बहुत पार्ट कहाँ है, यूरोप में। यही वो माउंटेन है जिसके इधर एशिया है और जिसके पीछे यूरोप है, मतलब एक ऐसा माउंटेन जो दो कॉन्टिनेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है, एशिया को और साथ में किसको, यूरोप को सेपरेट आउट करता है। वो माउंटेन है उराल, उराल माउंटेन दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, उराल, और अपने भारत में राजस्थान में है अरावली, राजस्थान के बीचों बीच यहाँ है अरावली। ये दोनों पहाड़ दुनिया का ही सबसे, कौन सा पहाड़ है, ओल्डेस्ट माउंट रेंज। वीडियो देखो, वीडियो जहाँ उसके बना रहे उससे नोट्स टाइप बनाओ और उसको याद करो, बहुत बनेगा जीके, लास्ट में कोई टेंथ का नहीं पूछेगा कि 5 नंबर 3 नंबर, सब एक नंबर आएगा, है ना जी, एमसीक्यू कम से कम सबकी नहीं, ठीक। तो आयरन एंड स्टील के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस एरिया है उराल माउंटेन, उराल माउंटेन मतलब रसा, और रसा में उस एरिया में सबसे फेमस शहर दुनिया का सेंट पीटर्सबर्ग, पढ़े हो तुम 9 में, ये इसी का नेम पेट्रोग्राड रखा गया था, सेंट पीटर्सबर्ग रसा का मॉस्को के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सेंट पीटर्सबर्ग है, क्या चीज, शहर, ठीक है। अब ऐसे ही सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, जमशेदपुर को, किसे, जमशेदपुर। जैसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील के लिए सेंट पीटर्सबर्ग है, तो वैसे जमशेदपुर भारत में सबसे बड़ा है क्योंकि वहां टाटा है। इंडिया की पहली प्राइवेट फैक्ट्री 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन किसको, कहां पे बनी, जमशेदपुर। समझ में आया जी, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से एरिया में लोहा है, कहाँ है जी, छोटा बच्चा किधर गया, कहाँ है, जमशेदपुर में दुनिया में सबसे लोहा, कहाँ है जी, सेंट पीटर्सबर्ग शहर है वो, और सच्चा लोहा कहाँ मिलता है, सबसे उराल माउंटेन, कहाँ पे, रसा, ध्यान से सुनो सारे चीज, और इंडिया में सबसे ज्यादा लोहा और स्टील का कहाँ, क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग, हमारा बात चल रहे थे गांधी जी वहां कुछ आंदोलन किए, देखे क्या किए, जहां मर्जी उधर कर देते थे,
तो अहमदाबाद में क्या था, एकदम रूस वाला स्थिति था। अहमदाबाद में बहुत सारा कॉटन का मिल था, कॉटन के मिल के मजदूरों का स्थिति अच्छा नहीं था, उनकी मजदूरी कम थी, काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता था और वर्किंग कंडीशन खराब था। मतलब जहाँ काम करते थे वहाँ पानी है, कचरा है, तो हम पानी में एक दिन घुस के काम करेंगे, दो दिन करेंगे, हम सालों भर कर सकते हैं क्या? हम क्या मलाह हो रहे हैं, गोढ़ी हो रहे हैं कि मछली मारे उसको घुस के? डेली कैसे काम होगा, बीमार पड़ जाएगा इंसान। तो इसीलिए जो कॉटन मिल वर्कर थे वो मजदूरी बहुत ही कम था, वो लोग पूरे दयनीय स्थिति थे। वो लोग गांधी जी को बोले कि हमारा भी कुछ मदद कर दीजिए। गांधी जी गए और गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए? अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर से। तुरंत मिल का और धरना दिए और सब मिल सब मजदूर को बोले कि आप लोग बंद करके बैठ जाइए एक जगह, जब तक मालिक बात नहीं मारेगा नहीं करना है उसका। 180,000 मजदूर सबका सब बंद कर जाए, फैक्ट्री कैसे चलेगा, मालिक चला लेगा, जीवे जीव मिल के चलेगा नहीं, काम करना तो मजदूर ही जानता था। दो दिन तीन दिन के अंदर ही वो लोग आ गया लाइन पे और तुरंत ही सारा का सारा राइट सारा अधिकार इसका क्या हो गया, मालिक बड़ा भाई का मान लिया। और यहाँ से अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स का जो डिमांड था वो पूरा हुआ। ये कब की घटना है? 1917 की। 1917 तो गांधी जी का दूसरा पहला आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स का। वह चलिए तीसरे नंबर पे चले। अब वहीं पे अगर तुम्हें क्या बोले, ये लोग बहुत होशियार है, बुक वाले वो 18 दिन तक 17 दिन का, और जबकि एक्चुअल क्या है 17 से लेकर 18 एक दिन में होगा कभी खेड़ा आंदोलन वही कर दोनों का, जबकि हाँ पहले ये सही है खेड़ा हूँ और तब अहमदाबाद हुआ, लेकिन अहमदाबाद वाला भी 1917 में स्टार्ट हुआ, खत्म कब हुआ? जैसे देखो तुमको बता रहा है चंपारण सत्याग्रह किसी बुक में तुमको 1916 लिखा हुआ मिलेगा, 1916 और कहीं पे क्या मिलेगा 1917। अब क्या करोगे तुम? तो हम सबसे होशियारी करेंगे 16 से 17 लेंगे, वैसे अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर से क्या करेंगे 17 से 18 लेंगे। अब इसके बीच में एक जगह वही बताने जा रहे हैं, ये जो दोनों आंदोलन है इसके बीच में एक जगह था गुजरात, और जैसे देखो गुजरात ऐसे ही है ना, यहाँ अहमदाबाद पड़ता है, कौन से नदी के किनारे? साबरमती। अहमदाबाद से थोड़ी दूरी पे हल्का नीचे एक जगह है खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह पड़ते हैं। यहाँ के किसान का था, यहाँ पे फसल अच्छी नहीं हुई थी और टैक्स अंग्रेज उतना ही मांग रहा था, लोग चाहते थे कि टैक्स थोड़ा भी घटा दिया जाए, जब फसल अच्छी होगी तो हम टैक्स क्या करेंगे, फिर से वापस उसको जितना है उसका वो प्रॉपर अमाउंट में दे देंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, वो लोग रेडी नहीं था। ये भी है 1917 का, ये खेड़ा वाला पूरा का पूरा 1917 है और अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स क्या 1917 से 18 है, इसे तुम उसको तीसरा आंदोलन कर सकते हो। थिंकिंग क्या हो लिखने के लिए, देखो गांधी जी के नजर में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स पहले आए, लेकिन उसको पूरा करने में क्या लगा टाइम लगा, पहले वो प्यार से सोचे सब कंपनी वाले से बात किया जाए, नहीं माना गांधी जी का तो हमेशा से था ऐसा, उनका कभी भी था कि सीधे जाके घर डाले तो सोचा जी प्रिंस गांधी जी का ये कि तुरंत अटैक करो, वो हमेशा अल्टीमेटम देते थे टाइम, आप अगर उसको माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो हम क्या करें। तो अब देखिए, तो आपने चंपारण सत्याग्रह देखा था, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर देखा, मजदूरों का जो सैलरी था वो क्या था, कम था, इसलिए वहाँ सत्याग्रह वो मतलब विद्रोह हुआ। बाद में ये खेड़ा सत्याग्रह यहाँ क्या करना था, टैक्स मांग रहा था। खेड़ा पहले हुआ, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर उनके दिमाग में पहले था, लेकिन उस आंदोलन सफल हुआ 1918 में। तो सेकंड नंबर में आप खेड़ा को लिख सकते हैं, ठीक है, थर्ड में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर और सेकंड में किसको, खेड़ा को लिख सकते हैं। अब खेड़ा सत्याग्रह अगस्त का, ठीक है, वो कौन सा महीना था, लगभग अगस्त। मजदूर वहाँ पे, वहाँ किसान जो थे टैक्स देने में थोड़ा थोड़ा क्या चाहते थे, कटौती चाहते थे, और अंग्रेज कटौती करने को तैयार नहीं, ऐसे में किसान कैसे जिंदा रहते जब फसल कम हुई। तो गांधी जी ने इनके लिए किया,
तो पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा क्या कर लेंगे, अहमदाबाद कॉटन मिल को। अब तक 1918 का समय आ गया, गांधी जी इस तीन आंदोलन से बहुत पॉपुलर हो गए, पूरे भारत वाले को लगने लगा यही एक नेता है जो हमें क्या कर सकता है, आज़ादी वगैरह दिलवा सकता है। उसके पहले तो कांग्रेस दो पार्टी में बट गया था 1907 में सूरत में बैठक हुई जिसमें कांग्रेस दो पार्टी में बट गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल वो थे कि एक्टिव मेथड लगा के चाहे कांग्रेस जो भाषा अंग्रेज समझेगा उस भाषा में उसको देश से बाहर भगाएगा, चाहे लाठी तो लाठी, डंडा तो डंडा। और नरम दल वाले थे कांग्रेस से प्यार से बात। धीरे धीरे हम लोग उनसे स्टेप बाय स्टेप डिमांड करेंगे। तो ये समझो एक तरह का क्या चीज़, गरम दल वाले जो थे सारे एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं उनको इंग्लिश में, उस सब के सब रेडिकल थे, तो बड़े और रेडिकल जो जल्दी ज़्यादा सोसाइटी में बदला हुआ है। और जो ये नरम दल वाले थे सब लिबरल थे, लिबरल मतलब जो अंग्रेज का चमचा सब था वो सब कंजर्वेटिव था, अंग्रेजी रह जाते हमको तो सब दिन पैसा होते रहते थे ना जी। एक से एक लोग था इसमें था कंजर्वेटिव में, चलता था अंग्रेजी यहीं लड़े इंग्लिश बोल। अभी तुम कौन बोलता मगी बोले वहाँ पर इंग्लिश बोलो, हम नहीं पढ़ाया जा स्कूल में, तो अंग्रेज तो तुमसे जबरदस्ती उंगली पकड़वा के मुँह से निकलवा के बोलवा था। अच्छा ब्रिटिशर्स होगा तो सब इंग्लिश ही बोलता होगा भारत। एक दो जो उसका चमचा था जो उसके काम करने के लिए था वही इंग्लिश बोलता, बाकी सब अपना लैंग्वेज। यही तो एक गलती अंग्रेज हमारे यहाँ किया, वो हम लोग पे और ज़्यादा दिन रूल करता अगर हम लोग सबको इंग्लिश सिखा देता तो। वो हम लोग का भाषा जानता नहीं था, लोग गड़िया भी रहा है उसको वो समझ नहीं रहा। इसीलिए भारतीय सब आंदोलन आपस में, उसके सामने भी आपस में आंदोलन वाला बात किया लेकिन उसको पता नहीं चला। अगर भाषा जो सिखा देता हम लोग को इंग्लिश तो तुम कुछ बोलता हो पकड़ता ना। एक गलती अंग्रेजों का हमारे इंडिया में क्यों 192 सारे रूल थे, अगर जो और करता अभी जो 50-60 साल और करता अगर इंग्लिश सिखाता तुमको। चलिए अब 1919 का टाइम था, लगभग 1919 का टाइम था, ध्यान देना 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला जिसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। इसमें दो ग्रुप था, एक था एलाइड पावर एक था एक्सिस पावर। एलाइड पावर बोलते मित्र राष्ट्र, पहले भी पढ़ाया तुमको हम वर्ल्ड वॉर। मित्र राष्ट्र में था यूके, इंग्लैंड, फ्रांस, रसा, यूएसए, ये मेन थे। अब ये विश्व युद्ध है तो ये चार देश नहीं सोचो, अकेला इंग्लैंड उस जमाने में 50-60 देश उसके कब्जे में था। तो इंग्लैंड लड़ा तो हम लोग अपने आप चल गए, गेंद जी हम लोग को लेके गया, 90-92 हज़ार सैनिक अपना मरा था उसमें। इसलिए जो इंडिया गेट बना हुआ है दिल्ली वाला, ये नहीं कि आज़ादी की लड़ाई में लोग लड़ा था, हम लोग अंग्रेज के लिए लड़े थे उसके लिए बना हुआ, ठीक है। यहाँ हिसाब यही है, देखो कभी भी ऐसा होता है खुजलाता सर है, खुजलाते हैं हाथ या कंघी से दो चार बाल शहीद हो जाता है हमसे, होता है ऐसा। इसका बेचारे का कोई गलती नहीं, गारंटी है सफर होता है। वैसे भारत का था, लड़ा उधर से जर्मनी, लड़ा इधर से इंग्लैंड, और सैनिक किसका शहीद हो गया, हम लोग का क्या बिगाड़ा था, कुछ बिगाड़ा तो भारत जर्मनी कहाँ इधर था, हम लोग यहाँ भारत मतलब ही नहीं कहीं से सीमा उमा का, फिर भी हम लोग को लड़ना पड़ा किसके लिए, ब्रिटिशर्स के। अगर उसको छोड़ दे लड़ने तो उसमें है ही कितना जनसंख्या, उसके यहाँ पॉपुलेशन ही कितना है, हम लोग के यूपी से भी कम पॉपुलेशन है इसका, पूरे इंग्लैंड का यूपी से कम। अगर यूपी बिहार वाले पैदल चल जाए तो सब कुछ जाएगा समुद्र में, वो हाल है उसका। कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, देन टर्की, ये सब कंट्री था। टर्की, टर्की ध्यान से सुनना, टर्की का, टर्की यहाँ पे एक देश है, टर्की और रसा दो ऐसे देश है
जो एशिया में भी हैं और यूरोप में भी। टर्की और रसा दो ऐसे देश हैं जो एशिया में भी है और दो कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब ऐसे में टर्की का, टर्की में जो रूल था कौन से रूलर्स थे, ऑटोमन अम्पायर। टर्की में एक साम्राज्य था, अपने यहाँ कैसे रूल किया, मुगल अम्पायर। वैसे टर्की में कौन रूल किया, बड़े जो भारत है, जो भारत बच्चे गिरा नहीं ना मेरे पास। टर्की में कौन, ऑटोमन। और ऑटोमन अम्पायर का हेड होता था खलीफा, और खलीफा क्या था, मुस्लिम का धर्मगुरु। अब अभी तुम्हारे गांव के पंडित जी को तुम्हारे सामने धो दे तो क्या करोगे, देखोगे, बचाओगे, रिस्पेक्ट है गांव का, या हम लोग उनका पूजा पाठ करते हैं ये सारा चीज। तो वैसे ही अब मुस्लिम ये क्या हुआ, इसमें इंग्लैंड वाला ग्रुप जीत गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ऑस्ट्रिया वाला ग्रुप उधर क्या हुआ, या जर्मनी वाला हार गया। तो उधर टर्की का खलीफा भी हार गया, खलीफा हारा तो उसके साथ एकदम बेइज्जती वाला व्यवहार कर रहा था कौन, इंग्लैंड। बेइज्जती कर रहा था खलीफा के साथ, बेइज्जती वाला व्यवहार कर रहा था कौन, इंग्लैंड। इससे मुस्लिम सब भड़केगा कि खुश होगा, भड़के। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में, कौन से देश, 23 करोड़ के लगभग। और सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया में मुस्लिम का संख्या, नंबर वन पे इंडोनेशिया, सेकंड पे इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान। जितना उछलता जनसंख्या थोड़े है उसका, 20 करोड़ है उसके, हम लोग यहाँ 22 करोड़ मुस्लिम है सर, उसका जनसंख्या ही 20 करोड़, ठीक है। बांग्लादेश 14.5 करोड़, सऊदी अरब में भी, सऊदी अरब बालू बालू सिर्फ है, दो चार को शहर बसा लिया तो उसके अरब जेल नहीं निकलता, उसके यहाँ खाना नसीब नहीं होता सबको, तो सोमालिया जैसा गरीब होता, जो तेल का कुआं निकला ज्यादा बेचा बहुत ज्यादा पैसा हो गया उसके पास, वरना सोमालिया जैसा स्थिति होता है उसका, जब उसके पास एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जहाँ एक सिंगल नदी नहीं, ओएसिस कहीं कहीं पर। अब तो पैसा हुआ तेल बेच, पहले तो लोग उतना रहता ही नहीं था, अब भारत वगैरह से भी सब कमाने कहाँ चला जाता, सऊदी अरबिया बहुत ज्यादा। अभी इंडिया का सबसे ज्यादा जो मजदूर गया हुआ है वो यूएई, दुबई, कतर, इन सब देशों में गया हुआ, बहुत ज्यादा पैसा। आपके भी एक नौसाद सर थे, वो भी गए हैं इधर ही कतर वगैरह कमाने के लिए। हाँ चलिए अब देखिए, कहा थे, तो टर्की का बेइज्जती हुआ थी, सारा मुस्लिम क्या हुआ, उग्र हो गया। तो सबसे पहले इंडोनेशिया से स्टार्ट हुआ खिलाफत, ठीक है, वहां स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट। वर्ड देखना, एक्चुअली खलीफा का स्पेलिंग ये है, और इंडोनेशिया से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ खलीफत मूवमेंट, लेकिन अपने इंडिया में इसका स्पेलिंग ऐसे लिखा जाता खलीफा, और अपने इंडिया में स्टार्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट। स्टार्ट होने वाला था, गांधी जी हमेशा से चाहते थे भारत के हर लोग हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो के क्या करें, लड़ाई। अब जब टर्की का बेइज्जती हुआ, खलीफा का बेइज्जती हुआ, तो भारत में दो ब्रदर थे, अली ब्रदर, ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों अली ब्रदर्स जो थे, इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया कि ये गलत है, हमारे हेड के साथ खलीफा के साथ बेइज्जती किया जा रहा है। अब ऐसे में उन दोनों ने विद्रोह किया। गांधी जी को लगा यही समय है, हिंदू मुस्लिम क्या हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अली ब्रदर्स के साथ गांधी जी इंडिया एक साल तक पूरा, 1918 से 1919 का टाइम पूरा एक साल भारत के लगभग अलग अलग कोने में गए, घूमते गए, हर जगह पता किए, लोगों को जागरूक किए कि एक आंदोलन हम लोग करेंगे, ऐसा करेंगे। और 1919 में स्टार्ट हुआ कौन सा मूवमेंट, खिलाफत। अब देखो ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसके पहले बाग हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग क्या था जी, बड़ा फेमस आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। जालियांवाला बाग क्या था, पंजाब में शहर है अमृतसर, पंजाब में शहर अमृतसर। अब इतनी को पंजाब नहीं था उस जमाने में, ये इंडियन पंजाब है, उधर पाकिस्तान में भी एक राज्य है पंजाब, वो पाकिस्तानी पंजाब हो गया, 5 नदियों का राज्य पंजाब है। और अभी अपने भारत में जो नदी बहती है यहाँ से मात्र 3 नदी बहती है, ब्यास, सतलज और चेनाब, मात्र 3 नदी अभी बह रही है, दो को पाकिस्तान में।
ने ब्यास रावी और सतलज बह रही है अपने इस वाले पंजाब से, और चेनाब झेलम ये बह रही है उधर, तो टोटल पांच नदी हो जाती है, झेलम चेनाब ब्यास रावी सतलज, इसी को पंजाब बोलते हैं। पांच नदियों का जो पूरा इलाका है वो क्या चीज है, पंजाब का है। तो अब पंजाब का क्या स्थिति था, पंजाब में अमृतसर शहर था, लोग गांधी जी अप्रैल में सोचे थे कि विद्रोह किया जाएगा, गांधी जी लोगों से आह्वान किए, अभी आंदोलन कोई स्टार्ट नहीं हुआ, गांधी जी लोगों से आह्वान किए कि आपको विद्रोह करना पड़ेगा, आप अंग्रेजों का साथ न दो। इसी आंदोलन को 3 तारीख को ये लगभग मतलब स्टार्ट किए गांधी जी 3 अप्रैल 1919 को, और 10 अप्रैल 1919 को भारत के अलग अलग एरिया में बड़ा पॉपुलर हो गया। तो ऐसे में अमृतसर शहर में दो आदमी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू प्रिया किचलू, ठीक है, और दूसरे क्या चीज डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों आदमी विद्रोह कर रहे थे, तो पुलिस इनको 10 अप्रैल 1919 को पकड़ ली, ठीक है जी। गांधी 3 अप्रैल को बोले कि आप लोग विरोध कीजिए, किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, और 13 अप्रैल 1919 को गांधी को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को कहां पकड़ लिया, कौन से जगह, अमृतसर में पकड़ के जेल में बंद कर दिया, और उसके बाद चला दिया मार्शल एक्ट, मार्शल रूल समझते हो, आर्मी आ जाएगा आपका अधिकार छीना गया, आप बाहर घूम नहीं सकते रोड पे, कोई जरूरी काम के लिए निकलिए, इसको बोलते हैं मार्शल रूल, और ये कब लगता है, जब दंगा सब होता है, नहीं समझ में आया, मार्शल लखी साहब तुम हिंदू मुस्लिम अगर दंगा कर लो तो यहाँ पे उतार दिया जाएगा CRPF को, कभी कभी आर्मी को उतार दिया जाता है ज्यादा अगर सीरियस होगा तो, और ऐसे में वो लोग क्या करेगा, आके यहाँ पे टेक केयर करेगा, दंगा को रोकेगा, रोन जी उसको तीन को बैठी है खिड़की बंद कर देती है, नेचुरल हवा को रोकता है, बहुत गुस्सा होता है, ध्यान दीजिए। तो वैसे वहां पे मार्शल एक्ट लगा, मार्शल रूल में क्या होता है, बाहर जाना आना, अब सोचो अभी के टाइम में तुम्हारे पास इतना फोन वोन आ गया तब भी तुमको आधा को न्यूज पता नहीं चलता, और ये बात है 1919 की, जब फोन का जमाना ही नहीं था, बस पेपर चलता था, वो भी कोई ब्लॉक में, जैसे बड़ैया ब्लॉक में का अमीर आदमी लिए तो बाकी गरीब से वहां जाता था सुनने आज खबर क्या है, ये हालत था उस जमाने हसनपुर में, तो कोई नहीं, आप पेपर क्यों नहीं लगा, कौन नहीं ले रहा है, अब तो पेपर में लोग बच्चा का पॉटी फेंक रहा उठा उठा लपेट, अब पेपर का इज्जत क्या, एक जवान पेपर का था वैल्यू, हाँ जी पहले पेपर सुनता होगा तो, पेपर बहुत कम लोगों के घर में, जो जमींदार लोग थे उनके यहाँ बस एक आध 20 आता होता, शहर में पेपर एक दो को ही पेपर था, आजकल तो आज दैनिक भास्कर दैनिक जागरण आप पेपर गिनोगे तो 10-12 को पेपर तुमको नजर आ जाएगा, नई दुनिया उमंग दुनिया तरह तरह का, ठीक है, ऐसे उस समय पेपर आता नहीं था, तो मार्शियल लॉ लगा है गांव वाले को पता रहेगा, अब दुर्गा पूजा में हम मेरा लगता है क्या होता है, लोग यही कह देता कि गांव से भी उठ के आता है, गांव से भी आएगा हर जगह सतर्क, लोग देखता है ट्रैक्टर पे भी बैठ के आता है गाँव वाला से, एक्चुअली अगर फंसने का नहीं था उसके पास वही है क्या करें, जो वाजी बात उसके पास वही है जो जिसके पास है उसी चलता, उस जमाने में लोग बैलगाड़ी बैलगाड़ी ऐसे ही जालिया वाला बाग जो भी सकता, पंजाबियों का एक फेमस फेस्टिवल है बैसाखी, और ये बैसाखी कैसा फेस्टिवल है, तो ये बैसाखी फेस्टिवल जो होता है फसल कटने की खुशी में, गेहूं कटने की खुशी में होता है, हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी रहता था और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती रहता था, DAV में हम पढ़े दोनों दिन छुट्टी रहता था, बहुत खुश होते थे, 6-7 अप्रैल से सेशन शुरू होता था और 13-14 छुट्टी मिल जाता था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा खुशी का टाइम था, तो 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और पंजाबियों के लिए बड़ा फेमस फेस्टिवल, तो सब आएगा कि नहीं, तो गांव के एरिया से सब ले लिया ट्रैक्टर जो भी ट्रैक्टर ने बैलगाड़ी सब चल दिया, उसको क्या पता मार्शियल लॉ क्या है क्या नहीं है, वो सब जालिया वाला बाग में आया, जालिया वाला बाग का क्या है, साइड से पूरा कांटा लगा हुआ था तार, मात्र 8 फुट का एक गली था, एक ही एंट्री एक ही एग्जिट, नो एक्सटर्नल एग्जिट, लाइक बाबाधाम टेम्पल, देवगढ़ में बाबाधाम टेम्पल में क्या है, एक ही एंट्री एक ही एग्जिट, अशोक धाम में 3 एंट्री 3 एग्जिट का है, कहीं से भी खोल के निकाल देगा, 3 है सही बोला,
एक इधर से महिला सब पूजा करते रहते हैं पार्वती जी के साइड से, एक फ्रंट एक बैक जो अभी पंडित जी सब पैसा लेके खोलते हैं उधर से, और एक इधर दक्षिण दिशा से, तीन है। कहाँ है जी? चौकी निवासी। तो चलो ये तीन था। तो वैसे जालियांवाला बाग में कितना गेट था? वो भी आग टूट गया। लोग अब देखो सबको नहीं पता था कि सेक्टर दिन की चीज कौन है और जनरल डायर की अति कौन है, मतलब सेक्टर के सबसे कौन है। कुछ लोग बच के उस चीज का भी चर्चा कर रहा था, कुछ लोग नानी दादी वाला कहानी, कुछ लोग झूला वाला झूल रहे बच्चा वगैरह। एकाएक जनरल डायर आया, एकाएक जनरल डायर आया गेट से, बिना भीड़ को कोई समझाया, बिना कोई अनाउंसमेंट के लोगों को खड़ा किया, मतलब अपने लोगों को खड़ा किया गेट के पास, हथियार ले गया और अंधाधुंध फायरिंग का, सीधे बोला फायर ऑर्डर। उसमें अंग्रेज सैनिक भी, अंग्रेज ने हिंदुस्तानी सैनिक भी, फिर भी मालिक का ऑर्डर है अंधाधुंध, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जो मर रहा है लगातार मरा, जब तक उसका गोली खत्म नहीं हुआ तब तक वो निकल के नहीं गया। एक उसमें कुआं था, कुछ लोग जान बचाने के लिए कुआं में घुसा, बाकी को लगा कि सच में इसमें जान बच जाएगा, सब कूदने लगा। अब इतना लोग कूद गया कि नीचे वाला ऐसे मर गया और ऊपर वाले पे चला के मारा, ठीक है। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों लोग मरे। इस सैकड़ों को आप ये मान लीजिए, लोग वहाँ बोलते हैं कि कम से कम 300-350 लोग मर गए थे और बाकी घायल हो गए, ठीक है। इसी में सरदार उधम सिंह था। अब यहाँ दो डायर है, एक है माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर पूरे पंजाब रेजिमेंट आर्मी का हेड था, और वो जो जनरल डायर है वो क्या चीज़ है, बस अमृतसर शहर का हेड था। ध्यान रखिएगा, दो डायर, एक माइकल ओ डायर पूरे पंजाब रेजिमेंट का हेड, और एक जनरल डायर वो क्या चीज़ था, अमृतसर शहर में आर्मी का हेड। जनरल डायर वो गोलीबारी किया था और माइकल ओ डायर वहाँ पे वो लगवाया था, मार्शल लॉ लगवाया था। अब ये निहत्थे लोगों को आप मारे, पूरे भारत में लोग इसके विरोध में आया। महात्मा गांधी को कैसर हिंद का उपाधि मिला था, वो अपना उपाधि लौटा दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि मिला था, क्योंकि इसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में पहले एशिया के आदमी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशिया के आदमी, यूरोप वाला सोचता था पूरा एशिया ही गंवार है, अब चाइना सबको तंग किए हुए है ना, अलग बात हम लोग को भी कष्ट दे दिया, नहीं देता पड़ोसी समझ के तो ठीक था, कष्ट दिए हुए है ना जी, ऐसा ऐसा बीमारी भेज रहा है एक से एक। कल तक यहाँ फंगस लग जाता था ब्रेड में, उसको वहां सेक के खा जाते थे, आज फंगस को देख के डर लगा, अभी भी इसमें फंगस लगा हुआ, हरा हरा सा आ गया हाथ, फंगस है। पहले फंगस को हाथ से टच कर देते थे, अब तो ग्रीन फंगस ही सब का भी दिन उठ गया। पूरा हरा हरा सब जो मैप पे, नया मैप लाए थे जो लगाया है अमन, और उसको पता है वो नीचे वगैरह क्या हो गया, हरा हरा सारा फंगस है। मॉइस्चर मिलेगा, हो जाएगा मॉइस्चर मिलेगा सारे आपका। अभी थोड़ा सा 4-5 दिन से बारिश नहीं हो रही, तब बारिश होने दो, उसके बाद देखना उसका स्थिति, पूरे हरा फैल जाएगा। चलिए फिर छोड़िए, तो लोगों ने उपाधि लौटाया, गांधी जी को लगा कि हमको अच्छा प्लानिंग करके हमको स्टेप लेना पड़ेगा, और तब गांधी जी ने 1919 में ही खिलाफत है मुस्लिम का आंदोलन, लेकिन गांधी जी उसके मेन अध्यक्ष प्रेसिडेंट चुने गए। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, गांधी जी को क्या लगा था, मुस्लिम और हिंदू एकता रहेगा, वो लोग भी हमको सपोर्ट करेगा, इसलिए था खिलाफत मुंबई खलीफा के अधिकारों के लिए, और सपोर्ट इसके हेड कौन बनाएंगे, गांधी जी। खलीफा कहाँ का राजा था जी, सब सामने शशिकांत बताएगा, बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, बुझो तो जानो। कहाँ का राजा था जी, देख लो पहले उसको आगे कर लेना, तब तुम खड़ा हो रहा हो, एक समाधान मुझे क्योंकि धके लो का था जी, छोटा राजा टर्की का राजा, क्या होता था खलीफा, यहाँ पर मतलब कार्ड बैठो इन पर आए थे, अरे अब देखिए।
हर दस साल में अभी हम रॉयल एक्ट बताएंगे, अभी सिर्फ गांधी जी का, उसके बाद बताएंगे रॉयल एक्ट के विरोध में ही सब विद्रोह हुआ था, इटालिया वाला भाग और ये सब का। अब देखिए 1920 में गांधी जी ने क्या किया, भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, उनको बताए थे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में रहते हुए लगता था कि मेन जो कारण है वो हम लोग हैं, हम लोग अंग्रेजों का साथ देते हैं इसलिए अंग्रेज हमारे यहाँ टिका हुआ है, इसलिए गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया और इसको धीरे धीरे अनफोल्ड किया। अनफोल्ड मतलब कैसे भी अनलॉक में खुल रहा है, पहले दुकान 5 बजे तक खुला, शुरू में तो घटा दिया था सुबह में, बस 10 की 11 था, 10 था पहले, तब 11 था, फिर 12 किया, फिर 2 किया, 4 किया, 5 किया, 6, 7, अब खाने पीने का 9 तक है ना, अब तो स्कूल का भी दिया कि बड़े बच्चे इंटर वगैरह में जो बच्चे हैं 50% के साथ चल सकता है। तो आप लोग कौन से क्लास के हैं, है? क्या बोले थे, 11 है, ठीक है, चलो सब 11 है, इसको देखो तुम नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चलो कि पास किए थे सर। अब इतना रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसमें 3-4 चीज किया गया। सबसे पहले गलियां सुनसान मतलब लोग अंग्रेजों के मार्केट वार्केट में सामान लेना छोड़ दिया, लोग वीरान मतलब लोग उसका सपोर्ट करना क्या किया, तो भी बोला तेरा कपड़ा नहीं धोएंगे अंग्रेज के, और तो अगर तुम अंग्रेज का साथ दे तो तुम्हारा नहीं धोएगा, ना ही हजामत बनाना छोड़ दिया, कॉलेज वगैरह का एरिया भी पूरे का पूरे क्या हुआ खाली हो गया, हिंदुस्तानी छात्रों ने वहाँ से नाम हटा लिया, बार काउंसिल वकील अंग्रेजी कोर्ट में जाने से मना कर दिया, ये सब हुआ, ठीक है। अंग्रेजी विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना था, अगर कहीं विदेशी कपड़ा या विदेशी दारू वारू मिल रहा है तो उसको पहले पॉकेटिंग करना था, पॉकेटिंग मतलब होता है क्या चीज़ करना, घेराव करना और बर्बादी करना, पिक पॉकेटिंग मीन्स होता है जेब में लेके चल दे, शराब एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, समझा, शराब एक बहुत बुरी चीज़ है, आओ इसे मिलकर खत्म करें, एक बोतल तुम पियो एक बोतल तुम पियो, यही हिसाब था यहाँ का, लोग क्या कर रहा था उसका चुरा भी रहा उठा के पी भी जा रहा है, कौन सब भारत का आदमी सब, जो देखो गंगा वाला लोग कभी घाटा में नहीं रहता, जिसके घर मारा डर से आदमी भागा हुआ जो होशियार होता, गंगा का कोई कभी नहीं ये सब भी खेले थे ये सब, बस अभी गांधी जी पहले जो भी किए हो वो बाद में हर चीज़ को, यही तो बात है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में वो सब सच्चाई लिखे हैं कि पहले हम ऐसे थे, पहले हम पैसा पीछे भागते थे, मांस खाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हर चीज़ को छोड़ा, महान आदमी वो होता है जो गलती करने के बाद अच्छा कर ले, ये कि बचपन से ही महान तो उसको कौन देखेगा, उसको दोस्तों की बोलता है पैसा के चलते चंपारण नहीं जा रहा, अब पैसा के चलते ही साउथ अफ्रीका गए, ये दोनों रीजन। चलिए देखिए तो 1922 में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1920 में हुआ, 22 तक बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे फिर स्कूल जाने लगे, देखो अंग्रेजों के स्कूल से तुमने नाम कटवा लिया, अब तुम अपना कोई लोकल स्कूल खोलोगे तो ना बच्चा वहां पढ़ेगा, ये बच्चा को घर में रख कर लोग बेवकूफ बना देगा, तो लोग थोड़े दिन नाम कटवाया, देखा भारत में गांधी जी अगर एक साथ स्टार्ट किए थे तो जब उसका स्कूल तो अपना स्कूल यहाँ खुलवाते, तो लोग वहां छोड़ के क्या करता, हमारे पाठशाला में जाता, या फिर मुस्लिम लोगों का क्या चलता मस्जिद में, क्या चलता मदरसा, नाम सुने मदरसा, मदरसा चलता, गुरुकुल चलता, तो ठीक है वहाँ का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता, वकीलों का क्या था कि धंधा चौपट बंद हो कितने दिन ऐसे रहेगा, लोग जाने लगा, कॉलेज प्रोफेसर और प्रोफेसर सब जाने लगा वापस, लेकिन आंदोलन फिर भी बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया था अंग्रेज, उसका इधर बिजनेस पूरे ठप हो गया था, और जो भारतीय लोग अंग्रेजी कपड़ा का बिजनेस कर रहा था उसका दुकान लोग लूट ले रहा था, जला दे रहा था, तुम्ही गद्दार है मेरा से, ऐसा चल रहा था। अब इसी से अब ये चल रहा था, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, लोग शांति से ही आंदोलन कर रहे थे, गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा,
अब वो देवरिया जिला में आता है, पहले गोरखपुर जिला में था। अगर बिहार से सिवान होते हुए तुम अगर गोरखपुर जाओ, गोरखपुर वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है अभी, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 ट्रेन लगती है। तो अगर आप गोरखपुर जाने लगोगे तो चौरी चौरा है, वहां पे सब लोग शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहा था, डिमांड कर रहा था कि मजदूरी वजदूरी को थोड़ा बढ़ाया जाए, टैक्स घटाया जाए। इसी पीछे पुलिस वाला क्या हुआ, लाठीचार्ज कर दिया लोगों, लोग भड़क गया और पुलिस वालों को दबा दिया, वो लोग भी लाठी डंडा लेके पुलिस वाले को दौड़ा। उस समय तो पुलिस कोई भी घर टेम्परेरी फूसका होता था, पुलिस वाला दौड़ के घर में घुस गया और अंदर से ताला लगा दिया। ये लोग मिट्टी का तेल मतलब किरासन तेल छिड़क के आग लगा दिया उसको, चिंता होलिका दहन। 22 पुलिस वाले इसमें, 5 फरवरी 1922 की घटना है और 22 पुलिस वाले इसमें मर गए। गांधी जी हिंसा का विरोध किए और 13 फरवरी 1922 को बिना किसी लीडर का बहुत अच्छा सजेशन लिए हुए एक दो को बता के आंदोलन को वापस ले। गांधी जी का यही गलती था, जब आंदोलन चरम सीमा पे होती थी तो उसको क्या करते थे, और फिर पूरा माहौल गड़बड़ा था। इससे बहुत लोग आहत हुए और आगे स्वराज पार्टी वगैरह बन गया। आज के लिए इधर ही, आपको बहुत नॉलेज मिला। जय हिंद।